नमस्कार दोस्तों। तो बताने जा रहे हैं एक बढ़िया सीरीज के बारे में। वे सीरीज रही है हलचल ओटीटी की तरफ से, यानी कहानी प्ले ओटीटी। कहानी प्ले हलचल ओटीटी ही है, नया नाम बदल लिया इसने पुराने नाम को एक्सचेंज करके। और इसमें कुछ बढ़िया चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको ये कह सकते हैं जिनका प्रीवियस सब्सक्रिप्शन था वो सब्सक्रिप्शन वही होने वाला है। सब्सक्रिप्शन बर्बाद नहीं जाएगा, लेकिन बर्बाद हो गया है क्योंकि 2 हफ्ते होने वाले हैं, फिलहाल सीरीज नहीं देखने को मिली है। तो कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन तो भाई बर्बाद हो ही रहा है, क्योंकि जिनने सब्सक्रिप्शन खरीदा है उनको तकलीफ होती है, हमसे पूछो। फिलहाल अगर बात करें उसके अलावा, आपको इसमें 3 एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, मंजला आशिक में, सॉरी मजनू बावला में, इसमें प्रिया कामरे और सोम घोषाल और ये एक्ट्रेस जो भी रही हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं सीरीज का ट्रेलर काफ़ी दमदार रहा है। इसमें औसम घोषाल प्रिया कामरे का सी लेवल काफ़ी बढ़िया नज़र आने वाला है इस सीरीज में। बाकी इन एक्ट्रेस से मेरे को ज़्यादा खास एक्सपेक्ट नहीं है, प्रिया कामरे और औसम घोषाल ज़्यादा पसंद, बाकी अपने पसंद के ऊपर। इन एक्ट्रेस के प्रीवियस सीरीज में मतलब रुस्तम में काफ़ी सीन हाई लेवल के रहे, अगर आपको पसंद आते हैं तो सीन इस सीरीज में भी हाई लेवल के नज़र आने वाले हैं। ये सीरीज वेडनेडे को देखने को मिल जाएगी। ट्रेलर के हिसाब से बात करें एक मतलब ऐसे कबाड़ी वाला होता है, उसको मतलब आज की चढ़ी होती है, वो कहानी लिखता है और कहानी में जो भी उसको पढ़ता है एक तरीके से उसमें खो जाता है, खुद को इमेजिन करने लगता है, वो चीज़ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं सीरीज ओवरऑल ठीक ठाक नज़र आने वाली है, उम्मीद कर सकते हैं कुछ तगड़ा देखने को मिले, क्योंकि भाई हलचल ओटीटी है, इसकी टक्कर फिलहाल अभी कोई है नहीं अगर ओवरऑल अदर सीरीजों के बारे में बात करें तो। बाकी सीरीज अच्छी खासी आपको नज़र आने वाली है, ये सीरीज वेडनेसडे को आएगी। बाकी देखते हैं फिर क्या ही होता है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। तुम इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? फिलहाल हो गई होगी हमको मालूम है, क्योंकि भाई प्रिया कामरे और सोम घोषाल की बात ही अलग है, और हलचल ओटीटी है तो फिर समझ सकते हो कुछ बढ़िया मिलने वाला है इस सीरीज में भी। और हाँ, नज़र ओटीटी की तरफ से फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, वो हो सकता है सन्नाटे में चला गया है, क्योंकि वहाँ से सारे पोस्ट वगैरह सब कुछ इंस्टाग्राम से यूट्यूब से सब कुछ हट गया है। बाकी जैसे ही आएगा तो हम आपको उसके बारे में ही आगे बता देंगे।